तो मैं रमेश कुमार, आज हम रिपेयरिंग करेंगे एलपीजी गैस रेगुलेटर जिसका स्विच टूटा हुआ है। तो ये देखिए रेगुलेटर है जिसका स्विच ये टूटा हुआ है, आज हम इसे चेंज करेंगे, इसे बदलेंगे। तो ये देखिए पहले हमें ये स्टील कार्बन निकाल लेने हैं। फर्स्ट में इसमें 5 कार्बन आते हैं, ये इन्हें फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दोबारा हमें यही लगाने हैं वापस। ये खोलने का तरीका है, और अब ये देखिए दोस्तों इसमें एक ब्रास लॉक लगा हुआ आता है, इसे हमें निकालना है। तो पहले इसमें मिट्टी का तेल या ऑयल या सरसों का तेल कुछ भी आप इसमें लगा लें ताकि ये कचरा है ये लूज हो जाए और ये वापस निकल जाए। तो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके हमें इसके ऊपर ठोकना है इसे उल्टा, तो ये बाहर निकल जाएगा धीरे से मारने से ही। ये देखिए हमने ये निकाल लिया है। अब इसका जो स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, ये हमें बाहर निकालना है, खींचने से ये निकल जाएगा बाहर। ये देखिए, और इसे पहले साफ़ कर लेना है हमें कपड़ा लेके, ताकि अंदर कोई डस्ट हो, कचरा हो, वो बाहर निकल जाए। बाद में हमें ये नया स्विच लिया है, इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा लें ताकि ये आराम से नरम रहेगा और ऑन ऑफ़ करने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हम वापस फिट करना है। ये लीजिए फिट कर दिया है। अब जो लॉक हमने निकाला था वो वापस हमें लगाना है, इसका जो ब्रास राड का टुकड़ा आता है ये। ये लीजिए लॉक हमने लगा दिए। अंदर अच्छी तरह से दबा दें। उसके बाद में इसका जो ये केप है ये वापस हमें लगाना है। ये स्प्रिंग है, ये फाइनल केप है, और वही 5 कार्बन हमें ये वापस लगा देना है, स्टील कार्बन जो हैं। ये लीजिए रेगुलेटर बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए ऑन ऑफ हम करके देखते हैं अब। ये देखिए ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।